हाय एवरीवन, वेलकम टू फूडी कपीश। आज हम वड़ा पाव बनाने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए क्या सामग्री लगेगी? यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, राय, जीरा, 1 कप बेसन, कड़ी पत्ता, तीखी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, नमक और हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। आपको इस प्रकार आलू को मैश करना है। मैश आलू रेडी है। अब हम गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। 1 चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राय, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट। इसे अच्छे से मिला देंगे। नमक स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मिक्स कर लो। बेसन का बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मसाला, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाओ। हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले तैयार करेंगे। इस प्रकार आपको ये छोटे छोटे गोले बनाने हैं। क्या मेरे गोले और बैटर दोनों भी रेडी है? अब हम इसे डीप फ्राई करें। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम वड़े फ्राई करेंगे। इस प्रकार आपको वड़े फ्राई करने के लिए डालने हैं। वड़े तैयार है। अब हम इसे पाव के साथ सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।